आप देख रहे हैं मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 7 इन्वायरमेंट एंड साइंस को परिवेश परिचय क्लास 7 जनवरी 2022 को। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन दिया गया है, 4 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए 1.1 का, जिसमें दिया गया है फारेनहाइट पैमाने के उच्च और निम्न स्थिर बिंदु क्रमशः हैं। तो सबसे पहले आपको समझ लेना होगा स्थिर नियत बिंदु होता क्या है, ठीक है। स्थिर नियत बिंदु, आप जब बात करते हैं थर्मामीटर का निम्न स्थिरांक और ऊर्ध्व स्थिरांक, उच्च और निम्न स्थिर बिंदु, तब आपको यहाँ पर याद रखना होगा कि थर्मामीटर को जब हम लोग यूज़ करते हैं तो उस समय हम लोग प्रमाणिक वायुमंडलीय दबाव पर जिस तापक्रम पर बर्फ़ पिघलकर जल बनता है या विशुद्ध जल जमकर बर्फ बनता है, उसी तापक्रम को थर्मामीटर का निम्न स्थिरांक कहते हैं। सेम इसी तरह से प्रमाणिक दबाव, जिसको हम लोग 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कहते हैं, पर जिस तापक्रम पर विशुद्ध जल वाष्प में परिणत होता है, उसी तापक्रम को थर्मामीटर का ऊर्ध्व स्थिरांक या उच्च नियत बिंदु कहते हैं, ठीक है। तो जब बात कही जाती है फारेनहाइट स्केल की, तो हम लोग को याद रखना होगा, आप अपने स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे कि जब थर्मामीटर को आप देखते हैं फारेनहाइट स्केल का, आपके बुक में पेज नंबर 5 में भी दिया गया है, तो जब आप देखेंगे तो जो ऊंच होगा फारेनहाइट का वह होगा 212 डिग्री फारेनहाइट, और जो निम्न होगा स्टार्टिंग वाला होगा वह होगा 32 डिग्री फारेनहाइट। तो सही ऑप्शन होगा सी नंबर, ठीक है। इसी तरह से 1.2 को अगर आप देखते हैं सेल्सियस और फारेनहाइट स्केल में बर्फ का गलनांक निम्न रूप में लिया जाता है, तो सेल्सियस में होगा 0 डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट में होगा 32 डिग्री फारेनहाइट, ठीक है। दोनों एक तरह से इक्विवेलेंट टेम्परेचर ही हैं, निम्न स्थिरांक हैं, ठीक है। इस बात को आपको याद करके रखना होगा, निम्न स्थिरांक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 1.3 में, किसी द्रव का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। तो वाष्पीकरण इवापोरेशन में क्या होता है, लिक्विड भाप में बदलता है, ठीक है। बॉइलिंग रहता तो यहाँ पे बॉइलिंग और इवापोरेशन में आपको कन्फ्यूशन हो जाता, तो दोनों में से कोई एक टिक करते तो सही हो जाता, तो इवापोरेशन होगा वाष्पीकरण। जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा 540 कैलोरी प्रति ग्राम है। इस कथन से क्या समझते हैं, इस चीज़ को आप ध्यान से देखिए, क्योंकि यह जब अवस्था परिवर्तन की बात कही जाती है तो उस समय इस बात को आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि अवस्था परिवर्तन में, चेंज ऑफ स्टेट में, गुप्त ऊष्मा होता क्या है। क्योंकि इस बात को अगर आप नहीं जानते हैं तो गुप्त ऊष्मा के बारे में तो कुछ समझ में आपको नहीं आएगा। अवस्था परिवर्तन, क्योंकि आने वाले इसी मॉडल एक्टिविटी टास्क के आने वाले क्वेश्चंस में आप गुप्त ऊष्मा के बारे में भी पढ़ पाएंगे, जान पाएंगे, क्वेश्चंस दिया हुआ है, फिर भी आप यहाँ पे समझ लीजिए कि जब जल को हम लोग भाप में बदलते हैं, ठीक है, मतलब वाष्पीकरण करते हैं, तो जल 1 ग्राम जल जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर है और उसको 1 ग्राम भाप में हम लोग बदल रहे हैं, वाष्प में, स्टीम में बदल रहे हैं, तो उसमें 537 कैलोरी या 540 कैलोरी ऊष्मा उसको लेना होता है, जल को जो 100 डिग्री सेल्सियस पर है, तभी जाकर उसी तापक्रम पर, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर ही वह 1 ग्राम भाप में बदलता है, ठीक है। तो सही ऑप्शन होगा आपका ए नंबर, और बाकी जो भी ऑप्शन है वह गलत ऑप्शन है, ठीक है। क्योंकि 1 ग्राम जल 100 डिग्री सेल्सियस पर, उसमें 540 कैलोरी ऊष्मा कम होता है। अगर 540 कैलोरी या 537 कैलोरी ऊष्मा अगर वो ले लेता है, तभी जाके वह 100 डिग्री सेल्सियस पर 1 ग्राम वाष्प में परिणत होता है, ठीक है।
उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझा पाया मैं। फिर भी कोई भी कन्फ्यूशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा, इसके टीम आपके क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करेगा। अगर अभी तक आप इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और अपने दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि इससे हम लोगों को काफ़ी इंस्पिरेशन मिलती है और आपके सपोर्ट के बदौलत ही इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी काफ़ी आगे बढ़ पाएगा और आप लोगों का हेल्प करता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा, इसमें आपको सही गलत बताना है। ऊष्मा पदार्थ का एक टुकड़ा नहीं बल्कि ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है, तो सही बात है, ठीक है, ऊर्जा का प्रकार है ऊष्मा ऊर्जा, ठीक है। नंबर 2 देखिए, 2.2 सेल्सियस और फारेनहाइट पैमाने का पठन हमेशा भिन्न होगा, तो यह गलत है, क्योंकि एक तरह से कहने से यह सही है, केवल एक ही टेम्परेचर है -40 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम लोग कैलकुलेशंस करके देखते हैं तो पता चलता है कि -40 डिग्री जो टेम्परेचर है वह सेल्सियस में भी और फारेनहाइट स्केल में भी दोनों में बराबर होता है, इसीलिए यह गलत हो गया, ठीक है। नहीं तो सेल्सियस और फारेनहाइट पैमाने का पठन हमेशा भिन्न होगा, यह सही हो जाएगा, ठीक है। एक अपवाद है बोलकर हमें इसे गलत बताना पड़ेगा, ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि -40 डिग्री पर आधारित क्वेश्चन आने वाले इसी मॉडल एक्टिविटी टास्क में हम लोग देखेंगे कि कैसे -40 डिग्री सेल्सियस आता है, इसको समझेंगे। 2.3 को देखिए, ऊष्मा का SI इकाई कैलोरी है, तो यह गलत है, ठीक है। ऊष्मा का CGS इकाई कैलोरी है, किंतु ऊष्मा का SI इकाई होता है वह जूल है, ठीक है। 2.4 को देखिए, हालांकि सेल्सियस और फारेनहाइट पैमाने के निचले या निम्न स्थिर बिंदु संख्यात्मक रूप से भिन्न होते हैं, आप अभी क्वेश्चन नंबर 1 में ही जान चुके हैं, आप पढ़े हैं जब निम्न नियत बिंदु जब पढ़ते हैं तब आप पढ़े हैं 0 डिग्री सेल्सियस सेल्सियस में और 32 डिग्री फारेनहाइट फारेनहाइट स्केल में, वे एक ही भौतिक परिवर्तन के संबंध में तय किए गए हैं, ठीक है। जो जल है, बर्फ़ है, तो बर्फ़ को ही लेकर हम लोग चर्चा करते हैं निम्न नियत बिंदु, तो अगर आपको ये याद नहीं रहेगा तब आप इस बात को नहीं समझ पाएंगे कि विशुद्ध जो जल है, ठीक है, जमकर बर्फ बनता है, यही टेम्परेचर है आपका निम्न स्थिरांक या निम्न नियत बिंदु थर्मामीटर का। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा, 3.1, जब थर्मामीटर के बल्ब या घुंडी को गीले कपड़े के टुकड़े से ढक दिया जाता है तो थर्मामीटर की पाठ्यांक रीडिंग कम हो जाती है, तो पाठ्यांक जो होता है कम होता है, क्यों होता है? जब थर्मामीटर के घुंडी को गीले कपड़े के टुकड़े से ढक दिया जाता है तो पारा में संकुचन होता है, ठीक है, और इस संकुचन होता क्यों है? थर्मामीटर की नली की भीतरी दीवार पर दबाव कम होने लगता है, पारा नीचे उतरने लगता है, ठीक है, तो गीले कपड़े के जल के वाष्पीकरण के लिए आवश्यक गुप्त ऊष्मा बल्ब से भरे पारे से लिया जाता है, जिसके कारण पारा ठंडा होकर सिकुड़ता है और नीचे उतर जाता है, तो इस कारण से आप थर्मामीटर की पाठ्यांक क्या होती है, रीडिंग कम हो जाती है, पहले जितनी थी उससे कम हो जाएगी, ठीक है। किंतु यहाँ पे यह समझ लीजिएगा कि जब थर्मामीटर में आप देखते हैं जो नीचे में ही है, एकदम लोअर में है, तो अब नीचे से तो नीचे नहीं उतरेगा ना, ठीक है, जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसकी बात मैं कर रहा हूँ, तो जो भी थर्मामीटर है उसमें अगर आप देखते हैं तो क्लिनिकल थर्मामीटर में 95 से 110 डिग्री तक रहता है, तो अगर टेम्परेचर 95 से नीचे है या घुंडी के से भी नीचे है तो घुंडी से तो नीचे उतरेगा नहीं। यहाँ पे सीधा क्वेश्चन को आप समझ के रखिएगा कि घुंडी से ऊपर मतलब 95 से ऊपर टेम्परेचर है तभी हम लोग लपेट रहे हैं, तो यह चीज़ हो रहा है, ठीक है, पारा अगर नीचे है तो नीचे घुंडी से नीचे है तो ये बात तो लागू होगा ही नहीं, ये तो कॉमन सेंस की बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 3.2 को देखते हैं, गर्मियों में मिट्टी के घड़े का पानी ठंडा क्यों रहता है? अगर आपके पास बुक है तो बुक का पेज नंबर 13 को देखिएगा और उसमें जो सेकंड पैराग्राफ है उसको अगर आप चाहें तो हूबहू उतार सकते हैं,
फिर भी अगर आप चाहते हैं कि नहीं आप अपने बुक से नहीं उतारेंगे 13 पेज से, तो आप इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी का या नोट देखकर आप उतार सकते हैं। देखिए, गर्मियों में मिट्टी के घड़े का पानी ठंडा रहता है। मिट्टी के बने घड़े की दीवार में अत्यंत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है। तो कई बार मिट्टी में बालू भी मिलाया जाता है और घड़े के अंदर रखा जल इन्हीं छिद्रों से होकर बाहरी सतह पर आकर हवा के संपर्क में वाष्प में बदलता रहता है। वाष्प में बदलने के लिए आवश्यक गुप्त ऊष्मा घड़े के अंदर स्थित जल से ली जाती है। इस कारण मिट्टी के घड़े में उपस्थित जल ठंडा हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3.3 को देखते हैं। पानी की विशिष्ट ऊष्मा मिट्टी की अपेक्षा अधिक होती है। यदि दी गई मात्रा में पानी और मिट्टी को समान मात्रा में ऊष्मा दी जाए, तो कौन अधिक तापक्रम पर पहुँचेगा, तापमान पर पहुँचेगा। मान लें प्रारंभिक तापमान दोनों के लिए समान है, तो यहाँ पर विशिष्ट ऊष्मा को पहले से आप समझ लीजिए। परीक्षा में लिखना नहीं है, ना ही इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन में लिखना है। किसी पदार्थ के इकाई डिग्री वृद्धि करने के लिए तापमान में, किसी पदार्थ के तापक्रम में 1 डिग्री वृद्धि करने के लिए जिस परिमाण में ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, उसे उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, इकाई मात्रा वाले किसी पदार्थ के तापक्रम में 1 डिग्री वृद्धि करने के लिए जिस परिमाण में ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, उसे उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। तो विशिष्ट ऊष्मा को आपको समझ लेना है, इसकी इकाई कैलोरी में होती है, CGS में, उसके बाद FES में, MKS में, सब अलग अलग होता है, इसको भी याद करके आपको रखना है। तो FES में ब्रिटिश थर्मल यूनिट जो अब चलता नहीं है, किंतु MKS में याद रखना है कि जूल होता है, ठीक है। तो इन इकाइयों को आपको याद करके रखना है कि क्या क्या इकाई है। तो बेसिकली हम लोग इसको व्यक्त करते हैं किसमें, ग्राम में, तो ग्राम और टेम्परेचर को लेके व्यक्त करते हैं। तो इसीलिए इसकी जो इकाई होती है, विशिष्ट ऊष्मा की इकाई, आप अपने स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे कि CGS में कैलोरी प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस बोलते हैं, FPS में ब्रिटिश थर्मल यूनिट पर पौंड पर डिग्री फारेनहाइट बोलते हैं, MKS या SI पद्धति में कैलोरी प्रति किलोग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो आपको जो भी चीज़ अभी मैं बताया विशिष्ट ऊष्मा के बारे में, वह जस्ट एक्स्ट्रा नॉलेज था जिसको आपको समझ के रखना है। आप चाहें तो इस चीज़ को ओवरलुक करके आप केवल अपना आंसर यहाँ से लिख सकते हैं, जो आप अब आप आपके स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। हम जानते हैं कि समान मात्रा होने पर एक समान तापमान वृद्धि करने में जिस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा जितनी अधिक होगी, उसे उतनी ही अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होगी। क्योंकि पानी की विशिष्ट ऊष्मा मिट्टी की अपेक्षा अधिक होती है, इसीलिए मिट्टी पानी की अपेक्षा जल्दी गर्म हो जाएगा और जल्दी ही ठंडा भी हो जाएगा। अतः दी गई मात्रा में पानी और मिट्टी को समान मात्रा में ऊष्मा दी जाए, तो मिट्टी अधिक तापमान पर पहुंचेगा। तो आपका आंसर यही है, विशिष्ट ऊष्मा के ऊपर में, जिसकी विशिष्ट ऊष्मा कम वह जल्दी गर्म होगा, जल्दी ठंडा होगा। तो इस कंसेप्ट को आपको याद करके रखना है, ठीक है। तो भी आप चाहें तो ऊपर वाले पॉइंट्स को याद करके रख सकते हैं, लिखना नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यह न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जिसमें बताना है आपको सेल्सियस तापमान निर्धारित करना है जो -40 डिग्री फारेनहाइट के अनुरूप हो। मतलब टेम्परेचर दिया गया -40 डिग्री फारेनहाइट स्केल में और सेल्सियस स्केल में आपको ज्ञात करना है। आप जानते हैं सेल्सियस स्केल में तापमान होता है कितना है, या सेल्सियस स्केल में कितना होगा, वो जब कैलकुलेशंस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सेल्सियस स्केल और फारेनहाइट स्केल में -40 डिग्री सेल्सियस जो तापक्रम है वह बराबर होता है दोनों में। क्योंकि हम लोग कुछ देर पहले जब हम लोग इस क्वेश्चन को चर्चा कर रहे थे, तो आप जान चुके हैं या समझ चुके हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। आप
स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, रिलेशन होता है सेल्सियस और फारेनहाइट स्केल में, सी बाई फाइव इक्वल टू एफ माइनस 32/9। तो एफ के जगह में -40 लिखिए। -40 जब लिखते हैं आप, तो -40 और -32 मिलकर हो गया -72। ठीक है, तो सी और 9 दोनों गुना हो गया, तो 9C हो जाएगा, और क्या हो जाएगा उधर में, -72 है वह 5 से गुना हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही आप 9 और C को गुना किए तो 9C हो जाएगा, और 72 जो है वह गुना हो रहा है किससे, -72 गुना हो रहा है 5 से। 5 से जब गुना हो गया तो आपके पास हो गया -360। ठीक है, -360 को डिवाइड अगर 9 करता है तो आपके पास में आएगा -40 डिग्री। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेशंस करते हुए इस चीज़ को समझते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें बताना है कि यदि किसी पदार्थ को गर्म किया जाए तो उसका तापमान हमेशा बढ़ेगा, तो इस चीज़ को आपको समझ लेना है। ठीक है, बेसिकली जब भी हम लोग किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो उसका तापक्रम बढ़ेगा ही, ऐसी बात नहीं होती है। ठीक है, आप अपने बुक का पेज नंबर 10, 11 को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, जब बर्फ़ को हम लोग घर के तापक्रम पर, रूम टेम्परेचर पर लेते हैं, कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर कहलाता है। तो एक ग्लास ले लिए, कांच का ग्लास, और उसमें बर्फ़ का एक बड़ा सा टुकड़ा रख दिए, तो बर्फ़ 0 डिग्री सेल्सियस पर ही होता है ना। तो थर्मामीटर की मदद से बर्फ़ के तापमान को जब मापेंगे तो तापमान कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस ही होगा। कुछ देर तक छोड़ दिया जाएगा बर्फ़ को पिघलने के लिए, या टेम्परेचर उसमें दे रहे हैं समझ लीजिए, तो हो क्या रहा है, तो बर्फ़ गलने लगता है। जब बर्फ़ गल के जल में परिवर्तित हो जाता है, तब आप टेम्परेचर बर्फ़ का फिर भी देखते हैं या फिर पानी का देखते हैं वहाँ पर, तो 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। तो बर्फ़ के तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इस चीज़ को आप समझ लीजिए। यदि थर्मामीटर से ग्लास के तापमान को मापेंगे तो ग्लास का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस ही है, ऐसा नहीं रहेगा, उससे कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बर्फ़ का असर उस पर हुआ है, पानी की बूंद उस पर आकर जमा हो गए हैं, है ना। अतः किसी पदार्थ की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होते समय वह बाहर से कुछ गुप्त ऊष्मा संग्रह करता है या खो देता है, लेकिन यह उस पदार्थ की तापमान में कोई परिवर्तन नहीं लाता। इसीलिए हम कह सकते हैं कि यदि किसी पदार्थ को गर्म किया जाए तो उसका तापमान हमेशा नहीं बढ़ता है। ठीक है, बढ़ भी सकता है, किंतु एक एग्जाम्पल आप देख चुके हैं उसमें नहीं बढ़ रहा है। सेम इसी प्रकार का आप और एक उदाहरण अगर ले लीजिएगा, बर्फ़ को यहाँ पर लेके हम लोग चर्चा किए हैं, आप पानी ले लीजिए, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म हो रहा है और वह उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, और जब वह भाप में बदलता है, जलवाष्प में, स्टीम में बदलता है, तो उसका भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है। आप थर्मामीटर की मदद से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है, जब जल 100 डिग्री सेल्सियस पर है, उसको और गर्म किया जाता है, तो वह 540 कैलोरी ऊष्मा और ले लेता है, और लेने के बाद में वह जलवाष्प में या स्टीम में बदल जाता है। ठीक है, किंतु टेम्परेचर बदलता नहीं है, टेम्परेचर उतना का उतना ही रहता है, केवल ऊष्मा का लेना होता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी का यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। फिजिकल साइंस को हम लोग कवर किए हैं और आपको समझाने की कोशिश किए हुए हैं। यह परिवेश परिचय, इसमें लाइफ साइंस और फिजिकल साइंस दोनों को कवर किया जाता है, किंतु इस क्वेश्चन में ज़्यादातर सारे क्वेश्चन फिजिकल साइंस से ही दिए गए हैं, तो हम लोग इसको कंप्लीट किए हैं। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर लिखिएगा, बताइएगा। वीडियो बड़ा हो गया है, फिर भी आपको समझाने के उद्देश्य से बनाया गया है, तो आप समझिएगा ध्यान से। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी।